दोस्तों कल 2 नवंबर है और 2018 VP1 नाम का यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक हमारी धरती पर पाया गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक एस्ट्रॉयड है जो एक विशाल खड्डे में मिला। दोस्तों ये एस्ट्रॉयड इतना सा दिखने वाला यह एस्ट्रॉयड 70 टन से भी ज़्यादा भारी है और ये जिस जगह पर खोजा गया, ये जिस जगह पर पाया गया वहाँ एक विशाल खड्डा बन चुका है जिसका व्यास 1 किलोमीटर से भी अधिक है। और इतना सा ये पत्थर इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है, तो सोचिए अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे किसी शहर पर गिरा तो क्या हर्ष होगा। दोस्तों ये कोई सोच कर भी रूह कांप जाते हैं कि एक एस्ट्रॉयड इतनी तबाही मचा सकता है। ऐसे में कल 2 नवंबर है और पूरी दुनिया में ये खबरें वायरल हो रही है कि 2018 VP1 नाम का एक एस्ट्रॉयड 2 नवंबर को हमारी धरती से टकरा जाएगा और लाखों लोगों की जान जाएगी। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताऊंगा कि इस एस्ट्रॉयड से हमारी धरती को खतरा है या नहीं, क्या ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा, इसके टकराने से कितने लाखों लोगों की जान जाएगी या नहीं, या फिर ये महज एक अफवाह है। दोस्तों ये बात सच है कि 2 नवंबर को 2018 VP1 नाम का एस्ट्रॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है और यहाँ से हमारे धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित ही हमारी धरती की तरफ बढ़ेगा और अगर ये हमारी धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस जाता है तो ये निश्चित ही हमारी धरती से टकराएगा। लेकिन दोस्तों सवाल है ये है कि ये हमारी धरती को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों इसके ऑर्बिट पीरियड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दूंगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि यह एस्ट्रॉयड कितने करीब से गुजर रहा है। दोस्तों अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया तो कितना नुकसान होगा, क्या हमारी धरती से लाखों लोगों की जाने जाने वाली है, आज 2 नवंबर को क्या होने वाला है। वैसे 2020 में हमारी धरती पर कई खतरे मंडराए हैं और 2020 में हम इंसानों पर कई खतरे भी आए हैं, जैसे कोरोना महामारी का वैश्विक खतरा और कई एस्ट्रॉयड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरे हैं। ऐसे में हमारी धरती पर 2020 के खतरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में 2 नवंबर का यह खतरा एक और इजाफा है। दोस्तों इस एस्ट्रॉयड का व्यास सिर्फ 2 मीटर का है, सिर्फ 2 मीटर का। अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर टकराता है तो खतरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मीटर का एस्ट्रॉयड अगर हमारे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल के घर्षण से वह पूरा गर्म होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा और धरती तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस एस्ट्रॉयड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। अगर यह हमारी धरती पर गिर भी जाता है फिर भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों फालतू की अफवाह पर ध्यान ना दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे का वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।